हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर और जो NCVAP के स्टूडेंट हैं इनके सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं इनकी जो डेट शीट है दोस्तों, अभी टेंटेटिव डेट शीट है, इसको रिलीज़ कर दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप स्टेप बाई स्टेप अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके जो एग्ज़ाम से कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों जो ये डेट शीट है केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के लिए और NCVAP के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए निकाली गई है। लेकिन दोस्तों अभी SOL के सेकंड सेमेस्टर के लिए डेट शीट नहीं निकाली गई है, जब भी आपके डेट शीट निकलेगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो NCVAP के ब्रांच के स्टूडेंट हैं इनके अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं रिलीज किए गए हैं, तो जब भी इनके एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होंगे तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अपने डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए, देखने के लिए आपको आ जाना है exam.du.ac.in पे। इस साइट पे आने के बाद दोस्तों आपको डेट शीट वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डेट शीट का एक लिंक दिया गया है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट शीट ऑफ सेमेस्टर 2nd अगस्त 2022। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट है, इनके जो एग्जाम्स हैं सेकंड सेमेस्टर के अगस्त में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपके कोर्स वाइज डेट शीट को रिलीज कर दी गई है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने कोर्स को देख के किसी भी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि कौन सी डेट शीट आपकी और कौन सी रेगुलर वालों की है, तो इसलिए यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाली दोस्तों जो डेट शीट है रेगुलर वालों की थी, यहाँ पे दोस्तों जो NCVAP के स्टूडेंट है इनके सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम की जो डेट शीट है दोस्तों ये यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BCom प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, BA प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट दी गई। ऊपर नीचे यहाँ पे BA प्रोग्राम के, NCVAP के सिक्स सेमेस्टर और BCom प्रोग्राम के सिक्स सेमेस्टर की डेट शीट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दोस्तों इसको सबसे पहले BCom सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट को डाउनलोड करके देख लेते हैं कि आपके जो एग्जाम से कब से स्टार्ट हो रहे हैं BA प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के। दोस्तों जो ये BA प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम से ये अगस्त में कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो इनके जो एग्जाम है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट शीट अभी निकाली गई है। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपके डेट शीट में कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, डेट और टाइम या फिर आपके जो सब्जेक्ट वो मैच ना कर रहे हो, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये अभी टेंटेटिव डेट शीट है, जब तक दोस्तों आपकी कंफर्म डेट शीट नहीं आएगी तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे दोस्तों आपके जो एग्जाम से 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 अगस्त तक शायद जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे देख सकते हैं आप 10 अगस्त तक आपके जो एग्जाम है BA प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के खत्म हो जाएंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों BCom सेमेस्टर, BCom प्रोग्राम के जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इनके डेट शीट को चेक कर लेते हैं कि इनके जो एग्जाम्स है, इनके भी जो एग्जाम्स है दोस्तों अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं, 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और इनके जो एग्जाम है दोस्तों यहाँ पे 18 अगस्त तक एग्ज़ाम इनके चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने सब्जेक्ट को मैच कर लेना है और यहाँ पे देख लेना कि किस तारीख को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, कितने तारीख को आपको कौन सा एग्ज़ाम है। यहाँ पे भी दोस्तों हो सकता है आपकी डेट शीट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि दोस्तों अभी टेंटेटिव डेट शीट है। यहाँ पे आगे BA प्रोग्राम के सिक्स सेमेस्टर की बात कर लेते हैं कि इनके जो एग्ज़ाम से दोस्तों 16 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो एग्ज़ाम, ये जो डेट शीट है दोस्तों एकदम कंफर्म डेट शीट है, इसमें कोई टेंटेटिव डेट शीट नहीं है। यहाँ इसके लिए आपको परेशान नहीं होना होगा कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बस आपको केवल मैच करना होगा। इसके लिए एनहेंसमेंट में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट दिए गए वो वहाँ पे बताए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम्स हैं 16 जून से स्टार्ट होंगे और 22 जून तक एग्ज़ाम चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिसिप्लिन जर्नल इलेक्टिव में यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, जर्नल इलेक्टिव कोर्स में यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम होगा 18 तारीख को होगा डिसिप्लिन सब्जेक्ट का, जो आपका पहला डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा उसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 20 जून का होगा। ठीक इसी तरह दोस्तों आपको जो डिसिप्लिन सेकंड सब्जेक्ट होगा उसका जो एग्ज़ाम होगा 22 जून को होगा। आगे दोस्तों BCom प्रोग्राम के देख लेते हैं कि सिक्स सेमेस्टर के इनके जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इनके भी एग्ज़ाम 16 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे भी दोस्तों आपके सब्जेक्ट दिए गए कंफर्म डेट शीट है, इसको आपको टेंटेटिव डेट शीट नहीं समझनी है और इनके जो एग्ज़ाम से दोस्तों 22 जून तक चलेंगे और यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को देख के एग्ज़ाम डेट को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको दोबारा बता रहा हूँ, अभी आपके जो NCVAP के एग्जामिनेशन फॉर्म है ये रिलीज़ नहीं किए गए हैं, जब भी रिलीज़ किए जाएंगे तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो SOL के स्टूडेंट हैं इनके जो एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट है सेकंड सेमेस्टर की अभी रिलीज़ नहीं की गई है, तो इनके भी जल्दी एग्ज़ाम को डेट शीट है जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको दोस्तों यहाँ पे आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल
बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिलता रहे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।